सीरियल इश्क का रंग सफेद में आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका पर्शिया लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, अपकमिंग एपिसोड में ऑडियंस थानी और पर्शिया की शादी होते देखेंगे। पर ये क्या, शादी की खुशी पर्शिया के चेहरे पर नजर आ रही है, पर धानी को क्या हो गया है, वो इतनी उदास क्यों है? या बिकॉज ये दुल्हन अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए शादी कर रही है धानी, और वो बिल्कुल पर्शिया से प्यार तो नहीं करती, बिकॉज वो तो सिर्फ उपलब्ध से प्यार करती है, लेकिन विधा के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट है धानी के लिए, और बहुत ही बिल्कुल खुश नहीं है वो ये सब करते हुए, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने सुना है कि उनकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन प्यार तो उन्होंने सिर्फ विप्लव से ही किया था, तो वो जो असली वाली शादी थी वो सिर्फ विप्लव के साथ हुई थी, और ये बहुत ही बिल्कुल खुशी का दिन नहीं है उसके लिए। वही संजीदा महाराष्ट्रियन ब्राइड बन बेहद खुश हैं। आई नो, पहली बार मैं एक महाराष्ट्रियन ब्राइड बनी हूँ, मैं पंजाबी ब्राइड बन चुकी हूँ, बंगाली ब्राइड बन चुकी हूँ, पहली बार महाराष्ट्रियन ब्राइड बनी हूँ, सो दिस इज़ ऑल न्यू फॉर मी, बिकॉज मैंने पहले कभी ऐसी तैयार नहीं हुई हूँ, एंड अच्छा लगता है, सब कुछ अलग है, नथनी अलग है, सब आई थिंक एवरी रिलीजन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ड्रेसिंग अप एज अ ब्राइड, सो ये भी एक मौका मिल गया मुझे करने का, सो आई एम हैप्पी। मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ टिपिकल गर्ल, तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। यस, साड़ी तो पहले पहनी है, लेकिन इस तरह की साड़ी पहली बार पहनी है, सो एक्साइटमेंट यस। धानी बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन धानी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। सीरियल में आगे क्या क्या होने वाला है और शादी होती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।